वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी फॉर स्टैंडर्ड 10th, और हम लोगों ने जो है अभी तक डेंटल कैरीज तक जो है कंप्लीट कर लिया है चैप्टर को। तो अब एक एक्टिविटी है आपका कि ये प्रूफ करने के लिए कि जो है चूने के पानी में लाइम वाटर जो हम या फिर हमारे ब्रीदिंग के थ्रू जो है वो CO2 रिलीज होता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एयर, ठीक है, एक्सहेल्ड एयर यानी जो हम लोग एयर को अपने ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं ये प्रूफ करने के लिए। तो आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री में जनरली आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 9th में या फिर 7th या 8th में कि प्रूफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है, हम लोग प्रूफ करेंगे कि हमारा हमने चूँकि ये बायोलॉजी का चैप्टर है, न्यूट्रिशन आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा आगे आप टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट ये दोनों को लेके ही जो है एनर्जी का एक्सट्रैक्शन होता है, पूरा एंटायर प्रोसेस है उसी पे ये चैप्टर ये रेस्पिरेशन पार्ट बेस्ड ऑन है। ये अगला लाइफ प्रोसेस है आपका, पहला तो आपका न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा होगा रेस्पिरेशन जो कि न्यूट्रिशन से बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि आपके जो आपने जो एयर ब्रीद आउट किया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं कीजिए, दो टेस्ट ट्यूब लीजिए उसमें जो है चूने का पानी दोनों में घोलिए, ठीक है, चूने का पानी घोलिए उसमें और क्या कीजिए उसमें कि आप एक वाटर को एक ऐसे ही छोड़ दीजिए टेस्ट ट्यूब को और दूसरे को क्या कीजिए उसमें जो है ब्लो आउट कीजिए एयर पाइप के मदद से, एक अपना एयर ब्लो आउट कीजिए। तो आप कुछ देर में देखेंगे कि जो चूने का पानी है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, एकदम दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। और इसी से क्या प्रूफ होता है कि आपके जो ब्रीदिंग में ब्रीद आउट एक्सहेल्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइम होता है लाइम वाटर, ठीक है, तो लाइम वाटर यानी ये नींबू पानी नहीं है, ये है चूना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जब ये जो है CO2 से रिएक्ट करता है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जब ये रिएक्ट करता है तो ये जो है ये नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, जब उसको वाटर के साथ उसका मिक्सचर करते हैं तब जो है आप देखेंगे कि यही जो लाइम वाटर है वो किस तरह का हो जाता है, उसका नेचर मिल्की हो जाता है, मिल्की यानी दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। चलिए ये एक्टिविटी आपसे ये प्रूफ होता है, इससे यही प्रूफ होता है कि हम लोग जो एयर ब्रीद आउट करते हैं वो और कुछ नहीं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ही फेमस आपका एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि आप ये प्रूफ करते हैं कि लाइम वाटर में जो है वो कैसे मिल्की बनाया जाए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो आउट करने से वो मिल्की ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दिस कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। अब अगला एक्टिविटी हमारा है वो हम देखते हैं। चलिए अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसमें भी यही प्रूफ करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है हमारा एक्सहेल्ड एयर में, ठीक है, या फिर लाइम वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और उससे वो मिल्की बन जाता है एक्सहेल्ड एयर, या फिर कह सकते हैं कि आप इस एक्सपेरिमेंट को आप कह सकते हैं कि टू प्रूव दैट मिल्की लाइम वाटर कंटेन्स CO2 यानी कि जो मिल्की लाइम वाटर होता है उसमें CO2 है या नहीं। तो हमने पहला एक्सपेरिमेंट देखा कि टेस्ट ट्यूब आप ले आया था आपने दो, ठीक है, जिसमें कि आपने एयर ब्लो किया आपने माउथ से किसी पाइप के थ्रू टेस्ट ट्यूब एक ग्लास ट्यूब के थ्रू, तो उससे क्या हुआ कि लाइम वाटर मिल्की हो गया। इससे ये प्रूफ होता है कि उसके उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, क्योंकि लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके उसको मिल्की कर देता है, ठीक है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो मिल्की लाइम वाटर में CO2 कैसे आता है, ठीक है। तो आप इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए,
ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब, ग्लास टेस्ट ट्यूब इस तरह का होता है, आपने देखा होगा लैब में, स्कूल में, ठीक है। इसमें वही मिल्की वाटर ले लीजिए जिसमें कि आपने मिल्की लाइम वाटर ले लीजिए जिसमें आपने एयर ग्लो किया था और वो मिल्की बदल गया था, ठीक है। मिल्की या फिर लाइम वाटर ले लीजिए, सिंपल एक्सपेरिमेंट है तो प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। लाइम वाटर ले लीजिए इसमें, ठीक है। और एक अलग से टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें एक कॉर्क, जैसे कॉर्क सेल है एक तरह का, उसमें जो है बेंट ग्लास ट्यूब होना चाहिए जो कि इस लाइम वाटर में उसका ग्लास ट्यूब का एंड जो है डिप कीजिए, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, ये इस तरह से कॉर्क से फिटेड होना चाहिए ये टेस्ट ट्यूब, कॉर्क उसमें छेद होना चाहिए एक, ताकि ये जो है आपका ग्लास ट्यूब उसमें डिप हो जाए। इसमें जो है आप शुगर और ईस्ट का सोल्यूशन मिक्स कर लीजिए। ईस्ट तो जानते होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड बनाने में भी काम आता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस। हम लोग इसमें सिर्फ ना ये प्रूफ करेंगे कि लाइम वाटर में जो है कैसे शुगर और ईस्ट के सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये प्रूफ होता है कि लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, ठीक है। तो ये जो हम लोग प्रूफ करेंगे कि ईस्ट और शुगर के सोल्यूशन में भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ इसका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट होता है आपका शुगर और ईस्ट का सोल्यूशन, ये हो गया शुगर प्लस ईस्ट, ठीक है। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये बनाता है आपका CO2 प्लस अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, शुगर सॉल्यूशन और ईस्ट लेके जब मिक्स करते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। ये एक तरह से प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन को भी डिस्क्राइब करता है, जब आप शुगर को फर्मेंट करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन से ही आपका जो है शराब बनती है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनाई जाती है, अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है, ना सिर्फ शराब के लिए बल्कि ऐसे एज इन फॉर मेडिसिन पर्पस, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो शुगर प्लस ईस्ट जो है दोनों जब रिएक्ट करेगा एक साथ तो वो बनाएगा CO2 प्लस अल्कोहल, जो भी CO2 चूंकि एक गैस है तो इस ग्लास ट्यूब से होते हुए वो जो है इस लाइम वाटर तक जाएगा। तो देन व्हाट हैपेंस इज दैट इट टर्न्स मिल्की, ठीक है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो इससे यही प्रूफ हो जाता है कि शुगर प्लस ईस्ट के सोल्यूशन से आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, साथ ही साथ आपका अल्कोहल होता है। अगले क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस